Yes, good morning students. You are watching the video of maths class 4 and I am explaining first chapter Roman numerals topic. अब रोमन न्यूमरल्स में सबसे पहले आपको रोमन सिंबल्स पता होने चाहिए. तो रोमन सिंबल्स जो हैं आपको ये लर्न करने हैं पहले. तो आपके जो है काउंटिंग वैसे 100 तक है तो आप 100 तक लर्न कर लें इसको. आई को लिखते हैं, 1 को लिखते हैं आई, 5 को लिखते हैं वी, 10 को लिखते हैं आई, सॉरी एक्स, 10 को लिखते हैं एक्स, एल को लिखते हैं 50, सी को लिखते हैं 100 एंड डी को लिखते हैं 500, एम के लिए 1000. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10 है ऐसे लिखेंगे 10, ठीक है. 20 दो बार एक्स एक्स यानी 10 प्लस 10 20. 30 लिखते हैं तो 10 20 30 ऐड करते जाएंगे हम. अब देखो एक्स एल, अगर मैं ये जो साइन है एल वाला जो साइन है, एल जो होता है यहाँ पे, अगर स्मॉल साइन मैं यूज करूंगी इससे पहले, 50 बड़ा होता है और ये 10, अगर बड़े जो 50 है और ये 10 है, ठीक है. तो अगर मैं 10 इसके बाद में, अगर ये नंबर स्मॉल होता है अगर बाद में लगाते हैं तो उसका मतलब प्लस होता है, अगर स्मॉल वाला जो साइन है उसको हम पहले लगा देंगे तो उसका मतलब माइनस होता है. कि जब भी हमें 4 9 40 90 इनको लिखना होता है तो हम माइनस करके लिखते हैं हमेशा. जैसे 4 को लिखेंगे 5 में से 1 माइनस करा, ठीक है. 9 को लिखेंगे 10 में से 1 माइनस करके, 40 को लिखेंगे 50 में से 10 माइनस कर देंगे, ये 50 होता है उसमें से 10 माइनस कर दिया, और 90 के लिखेंगे 100 में से 10 माइनस करके, ठीक है. तो हमें पता होना चाहिए कि आई वी का मतलब क्या होता है 4, और वी आई का मतलब क्या होता है 6. अगर पहले लगा दिया स्मॉल वाला साइन तो माइनस हो गया 5 माइनस 1 4, और अगर बाद में लगा दिया तो इसका मतलब 6. और जो भी ये रोमन का रूल होता है कि जो रोमन सिंबल्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, इसके बाद इसको हम रिपीट नहीं कर सकते. जैसे 4 के लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर आपने सॉरी 40 के लिए अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखेंगे. इसलिए हम 40 को माइनस करके लिखते हैं. क्या लिखते हैं 40 को, एक्स एल. तो आप लर्न कर लो अच्छे से, 40 को लिखते हैं एक्स एल, 90 को लिखते हैं एक्स सी. तो अगर आपको ये काउंटिंग अगर लर्न है तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. जैसे अगर मुझे लिखना है 82, तो सबसे पहले मैं क्या राइट करूंगी, 80 उसके बाद 2, ऐसे नहीं लिखेंगे पहले 8 फिर 2, फिर रॉन्ग हो जाएगा. पहले क्या लिखेंगे 80. तो 80 कैसे लिखते हैं, यहां से देख लो, 50 प्लस 10 60, ये 70 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 80, और अब इसके बाद 2 लगा दो, ठीक है. जैसे मुझे लिखना है 35, तो पहले मैं क्या लिखूंगी 30 फिर 5. तो 30 कैसे लिखते हैं, एक्स 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 30 और उसके बाद 5. अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं ये आपको करने हैं, ऐड करने हैं. जैसे 35 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 77. तो 77 को रोमन न्यूमरल में अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 70 फिर 7. तो 70 लिखेंगे 50 60 70, उसके बाद 7 राइट कर दो तो ये हो जाएगा 77. ऐसे हमने पुट साइन करना है. तो पहले हमें पता होना चाहिए हमने क्या लिखा है, एक्स सी. एक्स सी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था 90, और ये हमने क्या लिखा हुआ है 9. 99 ग्रेटर होता है या 40, 99. ऐसे ये क्या लिखा है, एक्स 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 मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने हो गए 33. 33 ग्रेटर होता है या 57 57. ऐसे इनमें ऐड करना है. तो सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 29, ये 20, 10 प्लस 10 20, और ये भी 9. 10 प्लस 5 15, 16 17, तो क्या लिखा हुआ है 17. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46. 46 को कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया, पहले 40 के लिए लिखेंगे एक्स एल और फिर 6 के लिए वी आई. काइंडली सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल गुरु रामदास कॉन्वेंट स्कूल फॉर ऑल अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.